guys, this is Kanisha Nancy and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my YouTube channel, then don't forget to subscribe. So today is a video about rats in my bag. तो ये most requested video है क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे DM किया था कि मैं ये बताऊँ कि मैं अपने bag में क्या लेके जाती हूँ. तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगी, but उससे पहले मैं आपको अपना bag दिखाऊँगी. जो बैग है, प्रिटी बैग आप देख रहे हो, ये मैंने ज़ूक से बाय किया है. ज़ूक बैग की खासियत ये है कि इंडिया में ही बनाए गए हैं. उसके साथ में ये जो इन्होंने लेदर यूज करा है, ये 100% वीगन है. इसमें किसी भी तरह की एनिमल स्किन का यूज नहीं करा है. तो ये जो ज़ूक है वो ट्रेडिशनल फैब्रिक का यूज करता है, जैसे कि खादी, इकत, जेटा. तो ये जो आपने डिजाइन देख रही हो, ये भी खादी से ही बनाया गया है. तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है. आप बहुत सारा सामान इसमें कैरी करके लेके जा सकते हो. मैंने अंदर एक जिप दे रखी है और साइड में दो पॉकेट्स हैं इसके अंदर, जिसमें काफ़ी स्पेस है. आप काफ़ी सामान उसमें लेके जा सकते हो. इसके साथ आपको ये स्ट्राइप्स दी गई हैं, आप इसको साइड में लगा सकते हो. ये जो हुक है, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है. आप इसको लगा के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसको बहुत ही प्यारे तरीके से आप लेके जा सकते हो. अगर आप ऐसे लेके जाना चाहते हो, आप ऐसे लेके जा सकते हो. अगर आप इसको ऐसे लेके जाना चाहते हो तो ऐसे भी लेकर जा सकते हो. तो ये इसकी बहुत ही खासियत है कि आप इस हुक को हटाओ और इस बैग को आप नॉर्मली ऐसे लेके जा सकते हो. जो ज़ूक बैग है वो अलग अलग वराइटीज़ के बैग बनाते हैं, जैसे कि हैंड बैग, स्लिंग बैग्स, ऑफिस बैग, लैपटॉप बैग्स. डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैग्स बनाते हैं, जो कि इनकी सबसे अच्छी बात है. आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ से इसको बाय कर सकते हो. तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हो. आप मेरा कूपन YTKanisha15 यूज़ करना, आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा. आप देख सकते हो ये जो नीचे उन्होंने लगाया है, इससे क्या है, आप जब बैग को नीचे रखोगे उसमें किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं पड़े. अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या क्या कैरी करके लेके जाती हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी साइड में बहुत ही, मतलब इन्होंने दो स्पेस दे रखी हैं. उसमें सबसे पहले मैं रखती हूँ अपना मास्क, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है. उसके साथ है चार्जर. फ़ोन की बैटरी कभी भी लो हो जाती है तो चार्जर रखना बहुत ही ज़रूरी है. तो वहीं साइड स्पेस में मैं एक अपना पेन कैरी करती हूँ. पेन भी रखना बहुत ज़रूरी है, ऑटोग्राफ देना पड़ जाता है कभी कभी. तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सैनिटाइज़र. आपको पता ही है अभी सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. तो सैनिटाइज़र और मास्क हमेशा अपने साथ रखना चाहिए. इसके साथ ये है हैंकी. जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है तो इस हैंकी को मैं अपने पास रखती हूँ. तो मैंने ये भी रखा हुआ बैग में, जब दिल करता है मैं उसको पहन लेती हूँ, जब नहीं करता तब पहन देती हूँ. तो ये है मेरा छोटा सा वॉलेट. ये मेरी दादी जी की मम्मा का वॉलेट है, जो पाकिस्तान से आया था, अब मेरे पास है ये. तो इसमें मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह सब रखती हूँ. तो आधार कार्ड की फ़ोटो मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगी निकाल के. सो ये है मेरा मेकअप पाउच. ये भी बहुत प्रिटी सा है. इसमें एक मिरर भी लगा हुआ है. इसके अंदर भी एक पॉकेट है जिसमें मैंने कैश रखा है. आप ना ही देखो तो अच्छी बात है, 5 रुपये का नोट है. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या लेके जाती हूँ अपने शूट टाइम के लिए. तो लिपस्टिक, ये लिपस्टिक आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा इसी लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ. न्यूट शेड है और न्यूट शेड जो होती है बहुत ही प्यारी होती है. अनदर लिपस्टिक, ये शेड भी बहुत प्यारी है, ये मेरी फेवरेट है. कॉम्पैक्ट हैंड क्रीम, माय सनब्लॉक. जैसा कि अभी बहुत गर्मी चल रही है, समर्स हैं, तो सनब्लॉक रखना ज़रूरी होता है, तो मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ. पिंस, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं 2-3 पैक अपने साथ रखती हूँ पेंट से. अनदर लिपस्टिक, नेल पेंट्स. नेल पेंट लगाना मैं काफ़ी टाइम भूल जाती हूँ, कभी मैं लगाती हूँ कभी मैं नहीं लगाती हूँ, बट मैंने रख रखा है ये. अनदर नेल पेंट, ओह एक और नेल पेंट. ये आप सोच रहे होंगे क्या है छोटू सा, ये मेरा परफ्यूम है. इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैंने इसको अपने पास रखा है.
और ये आईब्रोज करने के लिए है। मुझे आईब्रोज करवाने में बहुत पेन होता है, इसलिए मैंने इसको रखा है, इसी के साथ मैं आईब्रोज करती हूँ। खराब भी हो जाए तो चलता है, बट बाहर से नहीं करवाना। मस्कारा, अनदर लिपस्टिक, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये शेड मुझे पसंद है, तो मैंने दो शेड रखी हैं, ये थोड़ी लाइट है, ये डार्क है, बट न्यूड शेड है दोनों। अनदर लिपस्टिक, आईलाइनर और आईब्रो फिलर। सो सेफ्टी पिन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉबी पिन रखी है, मैं हेयर स्टाइल कम ही करती हूँ, बट मैंने रखी है कभी भी जरूरत पड़ जाए इनकी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बैग में इतना सामान भी आ जाता है, इसे कहती हूँ बहुत ही प्यारा बैग है, आप भी इसको बाय जरूर करना बैग को। ये जो है वो गुलाब जल है। गुलाब जल, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा, गुलाब जल को यूज करती हूँ तो ये हमेशा मेरे पास रहता है। इसके साथ मेरा हेयर बैंड, एक और सैनिटाइजर, ये थोड़ा सा बचा हुआ है इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो ये है आईलाइनर और मस्कारा। इसमें क्या हुआ था कि मस्कारा तो चल रहा था, तो जो इसका वो आईलाइनर वाला था वो टूट गया था, तो मैंने देसी जुगाड़ करा है, मैंने दूसरे आईलाइनर को इसमें ऐसे लगा दिया है। जुगाड़ू बंदे हैं हम। एक और लिपस्टिक, इसकी शेड बहुत प्यारी है, मुझे पता ही नहीं था मैंने इतनी लिपस्टिक अपने साथ कैरी करी है, बट लगाती सिर्फ मैं एक ही हूँ। ये मेरा फेस वॉश, मैं कम ही लगाती हूँ बट मैं इसको साथ में रखती हूँ। तो ये है काजल, अनदर नेल पेंट, एयरिंग्स रखी हुई मैंने क्योंकि मुझे इस तरह के एयरिंग्स पहनना बहुत पसंद है। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि मैं इसी तरह के एयरिंग्स पहनती हूँ। सैनिटरी पैड्स, ये भी रखना जरूरी है। वेट वाइप्स, तो इनको मैं हमेशा समर्स में साथ रखती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है मेकअप कम यूज करती हूँ, तो मैं वेट वाइप्स का यूज ज्यादा करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें साइड में एक पॉकेट है, तो उस पॉकेट में मैं अपनी कीज रखती हूँ, कीज अपने साथ रखती हूँ। उसी साथ में मैं इसमें अपनी मेडिसिन रखी हुई है, कोई हेडेक है, कोई अलग अलग तरह की मेडिसिन रखी हुई है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी को भी, बहुत सारी मेडिसिन है। ये जो है पिल है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 5-5 का ही नोट है, 1-10 का नोट है, बहुत गरीब हूँ मैं, यही बचा है सिर्फ मेरे पास। जैसा आपने देखा होगा कि मेरे बैग में आपको ज़्यादातर लिपस्टिक मिलेंगी, मेरे बैग में आपको लिपस्टिक की सेल मिलेगी। इतनी, ये कितनी सारी लिपस्टिक हैं, इतनी सारी लिपस्टिक मैंने रखी हुई, ओ सॉरी, ये इसमें मुश्कारा घुस गया आके। तो ये बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास। उसके साथ में आपने देखा होगा कि मैं फाउंडेशन कंसीलर नहीं लगाती हूँ, अभी तक मुझे मेरी स्किन टाइप का कोई फाउंडेशन मिला नहीं है, इसलिए मैं कम मेकअप करती हूँ। जैसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं मेकअप कम यूज़ करती हूँ। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा कई बार आई शेडो लगा लेती हूँ, वो भी मुझे प्रोमो के लिए आई थी, मेरी खुद की नहीं है, तो मैंने उसको आज यूज़ करा हुआ है, तो बहुत कम मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं करने की कि चलो कोई मेरी स्किन टाइप का मुझे मिल जाए तो मैं भी करूँगी। उसमें कोई बुरी बात नहीं, करना चाहिए, लड़कियाँ करती हैं, आपने नहीं करती है तो फिल्टर लगा लेती है मेरी तरफ। तो आप देख सकते हो कि इस बैग में मैंने इतनी सारी चीज़ें कैरी करी थी जो कि मुझे बाहर ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप मुझे प्लीज़ जज मत करना कि ये शॉप कर रही हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो थिंग्स मेरे पास है वो मोस्टली सभी गर्ल्स के पास होती हैं। सैनिटाइजर सबके पास होता है, नेल पेंट सबके पास होती हैं, और आप जानते हो कि हमें बाहर जाना पड़ता है, वीडियो शूट करना होता है, तो रख लेती हूँ। सामान देखोगे कि मेरे पास एक कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मैं लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, कम लगाती हूँ, लगाने के बाद उसको फिर से हाथ से साफ कर लेती हूँ।
उसके अलावा एक फोन होता है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। बस यही चीज़ें हैं जो मेरे बैग में हैं। उसके साथ एक पानी की बोतल होती है और खाने का कुछ सामान होता है, उसके लिए एक अनदर बैग में कैरी करती हूँ, मैंने ज़ूप से ही लिया है वो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं अपने बैग में रोज़ लेकर जाती हूँ। इस बैग में ये डिज़ाइन मैंने खुद चूज़ करा है, इसको मैं कभी कभी नॉर्मल ऐसे कैरी करके लेके जाती हूँ, कभी कभी मैं इसको इसके साथ कैरी करके लेके जा सकती हूँ इसके वेट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप भी ये बैग बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसी के साथ आप मेरा प्रोमो कोड YTKanisha15 यूज़ कीजिए, उसके साथ आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा और आप इसको बाय कब करोगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने बहुत अच्छी तरह से ट्राई की है आपको मेरे बैग में क्या क्या है दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि ये बैग कितना ही ज़्यादा प्यारा है। आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसी टॉपिक पे मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड वीडियो शेयर ज़रूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मुझे सपोर्ट करना ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। So thank you so much.